नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेसिक क्वेश्चन एक लोगों का जो लगातार मुझसे पूछा जाता है कि सर, हमारी एक पैतृक संपत्ति है, हमारी एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ, यानी कि उसका आज तक पार्टीशन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हमारी उस प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार ने अपना हिस्सा बिना विभाजन किए आगे बेच दिया। अब जिस व्यक्ति को वो हिस्सा बेचा गया है, वो दबंगई दिखाते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए हमसे संपत्ति कब्जाने की कोशिश कर रहा है। अब सिचुएशन हर केस में अलग अलग हो सकती है, पर फैक्ट यही है कि क्या संपत्ति का बिना विभाजन किए, यानी कि जब एक प्रॉपर्टी में बहुत सारे को शेयरर हो, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, तो क्या उस संपत्ति को बेचा जा सकता है जब तक उसका विभाजन नहीं हुआ? ऐसी कंडीशन में प्रोविजंस क्या कहते हैं कानून में, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेटेस्ट जजमेंट जो आई है साल 2023 की उसके अंदर क्या क्लैरिफिकेशन दी गई है, यह सारी चीज मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। क्योंकि यह समस्या बहुत लोगों की बनी है कि उनका जो हिस्सा होता है, या तो जो बहुत वैल्यूएबल हिस्सा होता है प्रॉपर्टी का, वो बाहर बेच दिया जाता है और बाद में बाकी व्यक्ति परेशान लगे रहते हैं, केस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि क्या इस प्रकार की सेल को वैलिड माना जाएगा या वॉइड माना जाएगा। ये सारी चीज मैं अब आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया जाए। अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, ये जो पॉइंट है कि क्या बिना विभाजन किए संपत्ति को आगे बेचा जा सकता है, यानी कि एक जो कुशेयरर है वो केवल अपना हिस्सा बिना पार्टीशन किए अपनी मर्जी से आगे बेच सकता है। इस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन को बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोविजन है जो आपको सभी पॉइंट आपके क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद आगे हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी क्लियर करेंगे, साल 2023 की जजमेंट भी क्लियर करेंगे, पहले इस प्रोविजन पर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, यह कहता है ट्रांसफर बाय वन को ओनर, यानी कि अगर केवल एक सह हिस्सेदार सह मालिक संपत्ति को क्या ट्रांसफर कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, वेयर वन और टू मोर ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जब एक संपत्ति के अंदर दो या दो से ज्यादा को ओनर है, सह हिस्सेदार है, जो लीगली कंपिटेंट है यानी कि लीगली हकदार है, किस चीज के लिए, इन बिहाफ ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर, यानी कि वो अपने पर्टिकुलर हिस्से को बेचने के लिए लीगली कंपिटेंट माने जाते हैं, और एनी इंटरेस्ट देयरिन, यानी कि जो उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर उनको ओनर का इंटरेस्ट बनता है, उनका शेयर बनता है, वो उनको ट्रांसफर करने के लिए लीगली कंपिटेंट माने जाते हैं। अब देखिएगा, द ट्रांसफर यानी कि जो उसका खरीदार होगा उसको ट्रांसफर ही कहेंगे, द ट्रांसफर ही एक्वायर एज सच इंटरेस्ट एज सो फार एज नेसेसरी टू इफेक्ट द ट्रांसफर राइट टू जॉइंट पोजेशन एंड अदर कॉमन पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू इन्फोर्स अ पार्टीशन ऑफ द सेम, यानी कि जो संपत्ति को खरीद रहा है उसको भी वही सेम शेयर और इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा जो उसके को ओनर का था जिससे उसने ये संपत्ति खरीदी है। पर इस तरीके के अधिकार को स्थापित करने के लिए, उस प्रॉपर्टी के शेयर को इंजॉय करने के लिए, उस पर पोजेशन जमाने के लिए पहले पार्टीशन होना उस प्रॉपर्टी का अनिवार्य होगा। दोस्तों अब इसकी लाल लाइन देखिएगा, वेयर द ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस वो होता है जहां पर लोग एक साथ रहते हैं, यानी कि अगर किसी घर का एक हिस्सा ट्रांसफर किया गया है जो एक अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट का हिस्सा है, तो किसको दिया गया, ध्यान देने वाली बात है, किसको बेचा गया है, जो एक फैमिली मेंबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोविजन उसको ये अधिकार नहीं देगा,
कि वो आकर वहां पर ज्वाइंट पोजेशन कर सके या उस प्रॉपर्टी को ज्वाइंटली यूज कर सके। सरल भाषा में दोस्तों पूरे में प्रोविजन का निस्तार बताऊं, एक को ओनर एक को शेयरर बिना बंटवारा किए अपना शेयर बेच सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शेयर बेचने की बात की गई है, उदाहरण से समझिएगा, पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी में चार को ओनर है, टोटल प्रॉपर्टी केवल 100 गज है, तो एक को ओनर के फेवर में 20 गज जमीन आएगी। अब वो किसी भी पार्टी को 20 गज जमीन बेच सकता है, पर स्पेसिफिक लैंड नहीं दे सकता कि मैंने 20 गज फ्रंट का दे दिया, 20 गज बैक का दे दिया, 20 गज लेफ्ट राइट साइड का दे दिया। जी नहीं, 20 गज देने का अधिकार रखता है, अपना 1/4 देने का अधिकार रखता है, पर कौन सा हिस्सा, फ्रंट बैक लेफ्ट साइड फ्रंट ऊपर फ्लोर पे, ये वो नहीं डिसाइड कर सकता। ये डिसाइड कैसे होगा, जब उस संपत्ति का खरीदार उस हिस्से को खरीद लेगा और वो पार्टीशन की मांग करेगा, ऐसी कंडीशन में जब पार्टीशन होगा तभी तय होगा कि जो 20 गज हिस्सा उन्होंने खरीदा है वो कौन सा शेयर उनको मिलेगा, चाहे वो फ्रंट का हो, बैक का हो, कहीं का भी हो, पर पर्टिकुलर शेयर किस हिस्से का है ये कहकर संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता, अपने शेयर को नहीं बेचा जा सकता। ये पूरा प्रोविजन मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया। अब दोस्तों यहां से कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आपको क्लियर करूं, बड़े ध्यान से समझनी है, ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है, यहां से आपको ये टर्म और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर जो हमारी पहली जजमेंट आती है उसका नाम है रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर्स, AIR 2009 SC 2735। इसके अंदर जो इसका पैरा 7 है या क्लोज 17 है उसके अंदर ये पॉइंट साफ तरीके से निर्धारित किया गया है, जो मैं डिस्प्ले पर आपको दिखाकर समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा गया है देयर कुड बी नो डिस्प्यूट, यानी कि इस चीज को लेकर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि ये फैक्ट है कि अनडिवाइडेड शेयर कोश ओनर जो है, को शेयर जो है, अपना अनडिवाइडेड हिस्सा सेल कर सकता है, इसका कोई भी डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बट किंतु पोजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू द वेंडी अनलेस द प्रॉपर्टी इज पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड, किंतु जो संपत्ति का खरीदार है उसको उस शेयर का, उस संपत्ति का कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रॉपर्टी पर प्रॉपर तरीके से पार्टीशन ना हो जाए, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो, म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू हो, कोर्ट की डिग्री के थ्रू हो, ये चीज वो उनकी आपस सेटलमेंट है। पर सीधी सी बात यह है कि शेयर जो किसी को ओनर का बनता है वो उसको जरूर बेच सकता है, इसको कानूनी रूप से वॉइड नहीं कहा जाएगा, पर कोई स्पेसिफिक शेयर नहीं बेच सकता, जो मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था। और अगर कोई आउटसाइडर आकर उस पर पोजेशन जमाना चाहता है तो पहले प्रॉपर तरीके से पार्टीशन करना पड़ेगा यहां पर, उसके बाद ही ऐसा कुछ करना संभव होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी जजमेंट आती है, ये भी आप डिस्प्ले पर देखकर ध्यान से समझिएगा। देखिएगा जजमेंट का नाम है सुरेश बाबू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एनदर, MANU MH 2560 2016। यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, बड़ी ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, विदाउट देयर बीइंग एनी फिजिकल फॉर्मल पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड लैंडेड प्रॉपर्टी, यानी कि जब तक जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसका फिजिकल पार्टीशन ना हो जाए, एक होता है कागजी तौर पर, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी पर जिसे चार दीवारी वगैरह कर लेते हैं, अ कोशेयरर कैन नॉट पुट अ वेंडी इन टू पोजेशन, यानी कि जो कोशेयरर है अपना हिस्सा बेच रहा है वो उस खरीदार को कब्जे में लाकर नहीं बैठा सकता। ऑल्दो किंतु सच कोशेयरर, उस कोशेयरर के पास यह अधिकार जरूर होगा कि वो अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है उस अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के अंदर से। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट क्लियर कर दूं, जहां पर यही बात की गई है कि एक को ओनर एक कोशेयरर हिस्सा जरूर बेच सकता है पर स्पेसिफिक हिस्सा नहीं दे सकता कि मैं 200 गज का मालिक हूं, पूरी प्रॉपर्टी 1000 गज है तो मैं फ्रंट का 200 बेच देता हूं या जो रोड साइड लगती जमीन है उसका 200 बेच देता हूं। जी नहीं, वो स्पेसिफिक पोर्शन बेचने का उसको अधिकार नहीं है जब तक पार्टीशन में ये चीज तय नहीं हो जाती। डिस्प्ले पर देखिएगा जजमेंट, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों जजमेंट का नाम है यहां पर परमल सिंह वर्सेस घनश्याम एंड अदर्स, AIR 2019 MP 131। यहां पर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट है, ग्वालियर बेंच की। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, इट इज वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी कि साफ तरीका कानून में लिखा है कि अनलेस एंड अंटिल द प्रॉपर्टी इज पार्टीशन, कि जब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो जाता, अ कोशेयरर कैन ओनली सेल द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, कि जो कोशेयरर है, सह हिस्सेदार है, वो केवल और केवल जितना उसका हिस्सा बनता है उससे ज्यादा भी नहीं बेच सकता, वरना वो इलीगल हो जाएगा। तो जो उसका हिस्सा बनता है केवल उतना ही बेच सकता है, बट कैन नॉट सेल एनी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द लैंड, पर कोई स्पेसिफिक हिस्सा बताते हुए कि ये मेरा है वो चीज वो नहीं बेच सकता। ये चीज इस रेलिवेंट जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित कर दी थी दोस्तों। अब दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं, जो सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट से डील करती है,
यानी कि प्रिफेटोरियल राइट्स के बारे में। अब ये क्या होता है सबसे पहले हिंदी में आप समझ लें ताकि कंसेप्ट आपको पहले क्लियर हो जाए सरल भाषा में। देखिए कई बार जब एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होता है क्लास वन के जो लीगल हीयर्स हैं यानी कि क्लास वन के जो उत्तराधिकारी हैं उनके पास एक स्पेशल अधिकार दिया है कि अगर एक कुशेयरर कुओनर उस संपत्ति को परिवार के बाहर बेचना चाह रहा है तो पहले जो पारिवारिक सदस्य हैं क्लास वन के लीगल हीयर्स हैं उन सभी को उस हिस्से को उनको पहले ऑफर करना पड़ेगा कि भाई मैं अपने इस पर्टिकुलर शेयर को बेचना चाह रहा हूं, आप इसे खरीद ले, नहीं खरीदते तो मैं इसको बाहर बेचूंगा। इसको कहा जाता है प्रिफेटोरियल राइट जो उनको शेयर को मिल जाता है। अगर ऐसी चीज नहीं की गई यानी कि उनको पहले नहीं ऑफर किया गया, सीधा ही बाहर भेज दिया गया, तो इसको कानून में वॉइड माना जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, बाबूराम वर्सिक संतोख सिंह। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो वहां पर मैंने जजमेंट आपको क्लियर की थी, जहां पर इसी प्रकार की प्रॉपर्टी थी एंसेस्ट्रल, जहां पर पहले परिवार वाले को ऑफर नहीं किया, सीधा बाहर भेज दिया। उन्होंने अपने सेक्शन 22 प्रिफेटोरियल राइट्स का हवाला देते हुए उस सेल को वॉइड ठहरा दिया और उस प्रॉपर्टी को खुद खरीद लिया। अब दोस्तों इससे रिलेटेड ही एक रेलिवेंट जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारी आखिरी जजमेंट है। इसके बाद साल 2023 की जजमेंट क्लियर करूंगा, फिर आज की वीडियो हम एंड करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम था हमारा नागम्मल एनदर वर्सेस नाजम्मल एनदर्स, 1970 की ये जजमेंट है। यहां पर देखिए क्या लिखा गया था, इन द फोरगोइंग डिसीजन इट इज फॉलोड एट, यहां से ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ अ पर्सन टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन इनहेरिटेड अलोंग विद अदर क्लास हियर इज सब्जेक्ट टू प्रिफेटोरियल राइट ऑफ हिज कोहियर टू टेक द ट्रांसफर। यानी कि अगर एक कुहियर ने, अगर एक हमवारिस ने एक प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया है और उसके साथ साथ जो अदर क्लास वन के हियर थे उनके पास भी ये प्रिफेटोरियल राइट आ गया। कौन सा राइट आ गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी अपना हिस्सा कोई बेचना चाहेगा परिवार के बाहर तो पहले परिवार के सदस्यों को ऑफर करना पड़ेगा। यहां से देखिएगा, दैट एनी ट्रांसफर इन डेरोगेशन ऑफ दैट राइट, यानी कि अगर कोई ऐसी ट्रांसफर की गई है जहां पर इस प्रकार के राइट को नहीं पास किया गया, नहीं माना गया, तो वो वॉइडेबल हो जाएगी ट्रांसफर, यानी कि उसको कैंसिल भी किया जा सकता है एट द इंस्टेंस ऑफ कुहियर हु आर डिनाइड देयर प्रिफेटोरियल राइट। यानी कि ऐसी कंडीशन में जो सेल को किया गया है उसको वॉइड भी माना जा सकता है। कब होगा, जब एक लैंड इनहेरिटेड की जा रही है, क्लास वन के जितने भी लीगल हीयर्स हैं सभी का प्रिफेटोरियल राइट आ गया, अगर उस प्रॉपर्टी को कोई बाहर बेचना चाहेगा पहले उसे परिवार के सदस्यों को ऑफर करना पड़ेगा। क्लियर हुई आपको ये पॉइंट, सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट इस प्रोविजन के बारे में बात करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आपको मैंने प्रोविजन और लैंडमार्क जजमेंट्स आपको क्लियर कर दी ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन में होता क्या है। अब साल 2023 की मैं जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं। डिस्प्ले पर सबसे पहले आप केस टाइटल देखिएगा, इसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर करूंगा, इसके बाद आखिर में जजमेंट डिस्कस की जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम है श्री विनायक सन ऑफ महादेव मेत्रानी जो प्रेजेंट केस के अंदर पिटिशनर है वर्सेस श्रीमती गाड़ी गेवा एट द रेट नीलवा एंड अदर्स। यहां पर इसका रिट पिटिशन नंबर है 1060 ऑफ 32 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है 3 अगस्त साल 2023, यानी कि इसी मंथ की जजमेंट रिसर्च करके आप लोगों के लिए मैं लेकर आया। अब दोस्तों यहां से केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको समझने होंगे, मात्र 2 मिनट और लगेंगे आपको, फिर पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर एक सूट फॉर पार्टीशन ट्रायल किया गया है जिसके अंदर सेपरेट पोजेशन की डिमांड की गई। नाउ जब ये पार्टीशन सूट डाला गया तो डिफेंडेंट ने क्लेम किया कि ये सूट तो मेंटेनेबल ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी की सभी प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड नहीं की गई, तो ऐसी कंडीशन में पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं होना चाहिए। अब प्रेजेंट केस में क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था उसने एक अमेंडमेंट फाइल की कि जितनी प्रॉपर्टी बच जाती है मैं वो ऐड कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी अमेंडमेंट को अलाउड करें। 3/9/2022 जब सिविल कोर्ट ने उनकी इस अमेंडमेंट को अलाउड कर दिया और यह कहा कि चलिए जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी थी आपने पार्टीशन में मेंशन नहीं की थी उनको भी इंक्लूड करें और उनका भी बंटवारा किया जाएगा। अब दोस्तों इसी बीच जब बाकी प्रॉपर्टीज को ऐड किया गया तो उसमें से किसी एक शेयरहोल्डर ने अपना हिस्सा ऑलरेडी आगे बेच दिया था। अब इस चीज को देखते हुए कि भाई मुझे भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, रीजन क्या है पार्टी बनाने का, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे पार्टी बनाया गया है जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसको पार्टीशन सूट में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूं। नाउ दोस्तों इस चीज के लिए उसने एक रिट पिटीशन दाखिल किया ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने कि जब रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऐड की गई है अमेंडमेंट के तौर पर तो जो प्रॉपर्टी का शेयर मुझे बेचा गया उसे भी ऐड किया गया, जबकि उस प्रॉपर्टी को तो मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूं, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कितनी बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही है यहां पर, डिस्प्ले पर आपको दिखा दूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जब सूट फॉर पार्टीशन और सेपरेट पोजेशन डाला गया है और जो रिट पिटीशन डालने वाला व्यक्ति है ये वही व्यक्ति है जिसने अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का शेयर खरीद लिया था, तो उसका कोई भी स्टैंड नहीं होगा इस पार्टीशन सूट में, यानी कि उसकी कोई भी लीगल पोजीशन नहीं है इस पार्टीशन सूट में। तो पिटिशनर क्या है, वो एक स्ट्रेंजर परचेजर है, यानी कि बाहरी व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी को खरीद लिया है, तो उसका प्रॉपर्टी का जो ये सूट चल रहा है बंटवारे का, इसकी प्रिलिमरी डिग्री से कोई भी लेना देना नहीं माना जाएगा। केवल अगर उस पिटिशनर को यानी बाहरी खरीदार को पार्टीशन के अंदर पार्टी बना दिया गया, इंप्लीड कर दिया गया, तो उसको यह अधिकार नहीं मिलता कि वो पिटिशनर ये चीज तय करे कि इस सूट को, इस बंटवारे के केस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि जो वो पिटिशनर है उसको केवल जब फाइनल डिग्री होगी तभी उसकी सुनवाई होने योग्य होगी। यानी कि जब फाइनल डिग्री होगी, जब वो ये चीज क्लेम करेगा कि ये प्रॉपर्टी का राइट मुझे मिलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसको बेचा जा चुका है, मैंने इसको खरीद लिया है, तो फाइनल डिग्री के दौरान ही वो इस चीज के लिए स्टैंड ले सकता है, किंतु केवल इंप्लीड हो जाने से। इंप्लीड का मतलब होता है उसको पार्टी बना लेना या फिर केस का एक पार्ट बना लेना। इंप्लीड कर लेने से उसको यह अधिकार नहीं मिलता कि वो कोर्ट को यह डिक्टेट करे कि किस प्रकार से इस केस को आगे डील किया जाए, और यह चीज कहते हुए उसकी रिट को डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों यहां से आपको क्या क्लियर हुआ, आज आपको क्लियर हुआ कि बिना विभाजित किए भी प्रॉपर्टी को आगे बेचा जा सकता है अपने हिस्से तक, किंतु स्पेसिफिक पोर्शन नहीं बेचा जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर अगर स्पेसिफिक पोर्शन बेचा गया है तो उसके लिए स्टैंड लिया जा सकता है। तीसरी चीज, अगर क्लास वन लीगल हीयर्स ने प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड किया है तो वो पहले अगर बेचना चाहते हैं अपना हिस्सा तो पहले क्लास वन के लीगल हीयर्स को ऑफर करना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर कोई बंटवारे का सूट चल रहा है और कोई आउटसाइडर परचेजर है, वो अपने आप को उसके अंदर अगर इंप्लीड हो गया है तो कोर्ट के सामने कोई लोकल स्टैंडाई उसकी नहीं होगी। ये सारी चीज मैंने रेलिवेंट जजमेंट और प्रोविजन के साथ आपको क्लियर कर दी है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर दी गई इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो के अंदर अगर मिली गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं।